केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। सिक्किम में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखी जा रही है। अचानक आई बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 102 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इस आपदा में 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। दरअसल सिक्किम में मंगलवार को देर रात बादल फटने के बाद से ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। ये बादल उत्तरी सिक्किम में होनक झील के ऊपर फटा, जिसके बाद तीस्ता नदी में बड़े पैमाने पर सैलाब से पूरे राज्य में भारी तबाही देखी जा रही है। राज्य में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई। जानकारी के मुताबिक सिक्किम में आई अचानक बाढ़ में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 102 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों के तलाशी अभियान जारी है। इस बाढ़ में आम नागरिकों के अलावा 23 सेना के जवान भी लापता चल रहे हैं। वहीं राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3,000 से अधिक यात्री फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। अचानक आई बाढ़ इसमें चुंगथांग में तीस्ता स्टेज 3 बांध में काम करने वाले कई मजदूर अभी भी बांध की सुरंगों में फंसे हुए हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल की 3 अतिरिक्त प्लाटून की मांग की है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। रंगपो और सिंगतम कस्बों में एनडीआरएफ की एक प्लाटून पहले से ही सेवा में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।